नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज बातचीत करेंगे सोनिया गांधी, सचिन पायलट और कन्हैया कुमार के बारे में। दर्शकों, आप लोगों को बता दें कि राजस्थान में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है अशोक गहलोत के गुट और सचिन पायलट के गुट को लेकर। बहरहाल, ये देखना पड़ेगा कि क्या कन्हैया कुमार को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी तो नहीं मिली, क्या गुजरात चुनाव होने वाले हैं, क्या वहाँ की जिम्मेदारी मिलेगी। दूसरा जो अहम सवाल है, राजस्थान में जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो लड़ाई है, इसमें किसको जिम्मेदारी मिलेगी? क्या सीएम का चेहरा सचिन पायलट होंगे या अशोक गहलोत? देखिए, इस सवाल का मैं जवाब दें इससे पहले मैं कन्हैया का थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, दरअसल सोनिया गांधी कुछ भी फैसला ले सकती हैं। सोनिया गांधी जो है अध्यक्ष पद की, जैसे ही आ जाता है फैसला, क्योंकि कुछ दिन बचे हुए हैं, उसमें मल्लिकार्जुन अगर बनते हैं तो मुझे लगता है कि सचिन, खास कन्हैया कुमार को शायद गुजरात का जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरा, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो है सोनिया गांधी का अशोक गहलोत ने दिल दुखाया, जिस तरीके से नाराजगी उन्होंने पेश की है, जिस तरीके से मनमानी की है, बगावती तेवर अपनाए हैं, विधायकों को बरगलाया, उन्होंने गुमराह किया है, लिहाजा इससे ये कहा जा सकता है कि उनका पत्ता साफ हो सकता है। वहीं सचिन पायलट जिस तरीके से सोनिया गांधी के से कदम मिलाकर जो है चलते रहे हैं, उन पर खड़े उतरे रहे हैं, उन पर भरोसा करते रहे हैं, तो ऐसे ये कहा जा सकता है कि वाकई में सोनिया गांधी सचिन पायलट के लिए कोई बड़ी ऐलान कर सकती हैं, उन्हें सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है, राजस्थान चुनाव में उन्हें ही जो है पूरी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये ऐसा कहा जा सकता है। बहरहाल, देखना होगा कि सोनिया गांधी आखिर क्या फैसला लेंगी, कन्हैया कुमार को क्या जिम्मेदारी मिलेगा, और अध्यक्ष पद का जैसे ही फैसला आएगा देखना होगा कि आखिर जो है शशि थरूर होंगे या फिर मल्लिकार्जुन। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस में इस वक्त इन तमाम चीज़ों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपी 9 न्यूज़। We'll be right back.